बीजेपी गवर्नर पर बुरी तरह भड़के सीजीआई चंद्रचूड़ बोले, सही लोग आपको सलाह नहीं दे रहे। फरीदकोट में बीजेपी गवर्नर की लगाई क्लास। सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भले चुनाव नहीं लड़ रहे हो, लेकिन समाज में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो उन्हें उम्मीदों का अंतिम खुला रोशनदान मान रहे हैं। संदर्भ है उनके द्वारा लिए गए लगातार बेहद चर्चित फैसले, जैसे हाल का इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित फैसला। भारतीय राजनीति में पहले भी देश की तकदीर पलटने वाले सुप्रीम कोर्ट या अन्य अदालत ने फैसले दिए हैं, लेकिन चूंकि हम कमजोर याददाश्त के शिकार लोग हैं, इसलिए ताजा हवाले देना जरूरी हो जाता है। चुनाव न लड़ने के बावजूद चंद्रचूड़ के फैसलों ने इंसाफ के हुकूमत में लोगों की न सिर्फ आस बढ़ा दी, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार हो या अन्य राजनीतिक दल, सभी के मन में अन्याय के प्रति डर पैदा कर दिया है। यदि उनके निर्णयों से 2024 के लोकसभा चुनाव में बाजी पलट भी जाए तो हैरत नहीं होनी चाहिए। शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि से सीजीआई चंद्रचूड़ खासे नाराज हो गए। यहां तक कह दिया कि बीजेपी गवर्नर की तरफ से संविधान का पालन नहीं किया जा रहा। क्या है पूरा मामला आपको सब विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या सीजीआई चंद्रचूड़ अब तक के सबसे बेहतरीन चीफ जस्टिस हैं? और हाँ, सच्चे और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या है पूरा मामला? असल में कुछ समय पहले ही कहा गया था डीएमके नेता के पोनुमत को मंत्री के रूप में फिर कैबिनेट में शामिल करवाया जाए, लेकिन संविधान का हवाला देकर राज्यपाल ने ऐसा करने से मना कर दिया। उस वजह से डीएमके सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां पर अब सीजीआई चंद्रचूड़ ने एन रवि को बुरी तरह सुनाया है। सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्यपाल इस समय सुप्रीम कोर्ट की ही अवहेलना कर रहे हैं। मैं केंद्र से पूछना चाहता हूं कि अगर राज्यपाल ही संविधान का पालन नहीं करेगा तो सरकार को क्या करना चाहिए? अब अगर आपके शख्स ने कल तक कोई एक्शन नहीं लिया तो हम आदेश पास करेंगे और तब संविधान के तहत राज्यपाल को काम करना ही पड़ेगा। इस समय हमें राज्यपाल के व्यवहार से चिंता हो रही है, वह सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती देने का काम कर रहे हैं। भरी कोर्ट में बीजेपी गवर्नर की लगाई क्लास। आगे सीजीआई ने कहा कि राज्यपाल महोदय जो आपको सुझाव भी दे रहे हैं वो सही नहीं दे रहे हैं। हमारे किसी शख्स के लिए अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन सभी को संविधान और कानून के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अगर सीएम चाहते हैं कि किसी शख्स को मंत्री बनाया जाए तो राज्यपाल को लोकतंत्र जिम्मेदारी निभाते हुए वैसा करना भी चाहिए। पोनमुद को हुई थी सजा। अब जानकारी के लिए बता दें कि पोनमुद को एक मामले में हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसी सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद डीएमके सरकार ने फिर उन्हें मंत्री बनाने की बात कही, लेकिन क्योंकि राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, जहाँ से अब राज्यपाल को ही बड़ा झटका लगा है।